वहीं छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी लगातार जारी है और अब तक 10,13,880 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश भर में अब तक 3,229 किसानों ने धान बेचा है। किसानों को अब तक 2100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कस्टम मिलिंग के लिए लगातार धान का उठाव किया जा रहा है और अब तक 4,30,632 मीट्रिक टन धान का हो चुका है उठाव। धान बेचने के लिए 25,92,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। प्रदेश के 2,497 उपार्जन केंद्र पर हो रही धान की खरीदी और इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। अब तक 10,13,880 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश भर में अब तक 3,229 किसानों ने अपना धान बेचा है। किसानों को अब तक 2100 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। तो कस्टम मिलिंग के लिए लगातार यहां पर धान का उठाव किया जा रहा है और अब तक 4,30,632 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। धान बेचने के लिए 25,92,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। प्रदेश के 2,497 उपार्जन केंद्र पर धान की खरीदी हो रही है और इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी लगातार जारी है। अब तक 10,13,880 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है और पूरा अगर देखा जाए तो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा का रुख करते हैं। नेहा, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है, क्या अपडेट? देखिए, अभी 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी और अब 10 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। तमाम जिलों में ये धान खरीदी है वो जो है अभी चल रही है। समर्थन मूल्य में सरकार जो है वो धान खरीद कर रही है और अलग अलग धानों की जो किस्म के हिसाब से उसका जो रेट है वो जो इसकी कीमत दर है वो यहाँ पर तय कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य है 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य 31 जनवरी तक जो है ये लक्ष्य पूरा करना है और नवंबर माह में इसकी शुरुआत हुई थी। 20 से 22 दिन हो चुके हैं और अब तक जो है वो 10 लाख मीट्रिक टन की जो खरीदी है वो यहाँ पर हो चुकी है। सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर तरफ से प्रयास कर रही है। किसानों को तमाम सुविधाएं धान खरीदी केंद्रों में मिल रही है, जिससे बढ़ चढ़कर किसान भी जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।